तो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट स्मोकिंग एंड ट्रैकिंग, ठीक है। देखो, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा है, जैसे मेरे दोस्त हो गए या काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि भाई यार हम स्मोक करते हैं और हमारे लिए ट्रैक पे जाना कितना सेफ़ है, या हम जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात हम समझते हैं कि स्मोकिंग क्यों, स्पेसिफिकली हम स्मोकिंग की बात क्यों करते हैं जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्पेसिफिकली हम इसकी बात क्यों करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो है ना वो हमारे डायरेक्ट लंग्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा आप स्मोक करते हैं उतना ज़्यादा आपकी लंग्स की कैपेसिटी कम होती है। अगर जो थोड़ा बहुत मेरे को पता है कि मतलब जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो हवा में ऑक्सीजन होता है, तो उस हवा में से ऑक्सीजन को निकालने वाले सेल्स जो लंग्स के अंदर होते हैं, जितना ज़्यादा आप स्मोक करते हैं वो सेल्स उतना ज़्यादा डैमेज होते जाते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा आपकी जो है ना लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बेसिकली हवा में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आपकी कम होती है अगर आप स्मोक करते हो। एंड ये स्पेसिफिकली ट्रैक के टाइम पे इसलिए टॉपिक उठता है क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हो तो वहाँ पर एयर डेंसिटी बहुत कम होती है, एयर इज़ थिनर। तो उस केस में क्या होता है कि जो हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अब आप खुद देखो कि एक तो ऑलरेडी हवा के अंदर ऑक्सीजन कम है, ऊपर से आपके लंग्स की कैपेसिटी उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की भी कम है। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉजियाटिक फील होने लगता है, सांस नहीं आती है, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ में सांस फूलने लग जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि स्मोकिंग स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बुरी होती है ट्रैक के लिए, हेल्थ वाइज। अब बात आती है कि इसके साथ हम डील कैसे करें, कि अगर आप स्मोक करते हैं और ट्रैक पे जाना है तो क्या 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 सॉल्यू ऑप्शंस हैं। देखो, सबसे पहली बात, ट्रैक पे तो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे स्मोक करना ही नहीं है। ट्रैक पे अगर आप पकड़े जाते हो, सही बता रहा हूँ, अगर ढंग की ट्रैकिंग कंपनी के साथ आप गए हो एंड उनके गाइड या उनके स्टाफ ने आपको स्मोक करते हुए पकड़ लिया ट्रैक पे, आपको तुरंत वहाँ से बाहर निकाल देंगे। मतलब तुरंत आपका ट्रैक ख़त्म कर देंगे और आपको बेस कैंप के लिए रवाना कर देंगे उसी सेकंड में। एंड कई बार तो ऐसा भी कहते हैं कि बिना गाइड के वापस भेजेंगे। ऑब्वियसली वो गाइड क्यों भेजेंगे। एंड उनकी स्ट्रिक्टनेस भी जायज़ है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है स्मोकिंग की वजह से और आपको जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो और आपको सांस आना बंद हो जाता है और आप स्मोक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर एक क्वेश्चन ट्रैक गाइड पे भी आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों पे भी आ जाती है एंड उनको भी आपके साथ डील करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कहते हैं भाई साहब हमें आप जैसे लोग चाहिए नहीं जो ट्रैक पे स्मोक करते। तो कोई सवाल नहीं इस बारे में, कोई जवाब नहीं, कोई डिस्कशन नहीं इस बारे में, ट्रैक पे तो स्मोक करनी ही नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप डेली लाइफ में स्मोक करते हैं, ट्रैक पे नहीं करेंगे, तो अब आप अपने आप को मतलब किस तरह से रेडी कर सकते हैं ट्रैक पे जाने के लिए। देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ट्रैक पे जाने के दिन से कुछ टाइम पहले तक तो इस चीज़ को बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा 10 से 15 दिन तो मैं कहूँगा ही कहूँगा कि धीरे धीरे कम करो, रोज़ कम करो, मुझे नहीं पता कितनी पीते हो, कम करो ताकि आपके लंग्स को थोड़ा सा हील होने का टाइम मिले, आपके जो सेल्स हैं वो वापस से एक्टिव हो पाएँ ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और इवेंचुअली आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़ पाए। ये आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हो खुद को कि आपकी लंग कैपेसिटी बड़ी है या नहीं बड़ी है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, घर में सीढ़ियाँ होंगी, ठीक है, सीढ़ी के ऊपर नीचे चक्कर लगाओ, ठीक है, और हर दूसरे दिन तीसरे दिन करके लगा लो एंड देखो कि मतलब तुम कितने टाइम तक उस चीज़ को कर पाते हो। मतलब जो तुम्हें सांस चढ़ने शुरू हो जाते हैं या फिर मतलब बिल्कुल ही हाँफने लगते हो, तो इवेंचुअली क्या होना चाहिए, जैसे अगर तुम डे 1 पे लगाते हो तो हो सकता है तुमने 20 चक्कर लगा लिए, 10 चक्कर लगा लिए, ऐसे ही अगर तुम 5वें दिन लगाते हो तो वो नंबर बढ़ना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, तो इससे क्या होता है कि बेसिकली तुम्हारी लंग कैपेसिटी थोड़ी सी वापस आ जाए, जिससे जब तुम ट्रैक पे जाओ तो ओरिजिनल योर सेल्फ के कंपेरिजन में तुम थोड़ा ज़्यादा बेटर रहो, दैट इज़ दी ओनली थिंग, ठीक है। बाकी तो सब हो गया। एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐड करना चाहूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब डिस्कशन मतलब वैसे रहती है, कि कभी भी अपने आप को वहाँ के लोकल से कंपेयर मत करना,
वहाँ के लोकल जो होते हैं, जो पोर्टर स्टाफ होता है, या फिर वहाँ हो सकता है तुम्हें पहाड़ की एकदम चोटी पे कोई बाबा मिल जाए बैठा हुआ, एंड वो वहाँ पे बीड़ी वगैरह पी रहे हों, उनसे कभी खुद को कंपेयर मत करना। ये मत कहना कि भाई साहब ये पी रहा है तो मैं क्यों नहीं पी सकता, हम तेरा भाई कम है के, ये सब मतलब हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बात दरअसल ऐसी है कि वो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम सी लेवल पे रहते हो, ठीक है, यहाँ का जो ऑक्सीजन डेंसिटी है, एयर डेंसिटी है, उसके साथ तुम्हारी बॉडी ने अडेप्ट कर रखा है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे स्मोक करते हो, तुम्हें यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो जब तुम ऊपर जाते हो तो तुम्हारी बॉडी को उस चेंज को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। अब जो इंसान वहाँ पे रहता है, जो मतलब वहाँ का लोकल, अगर कोई वहाँ पे सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है, तो वो इंसान वहाँ रहता है, उसकी बॉडी को उस सिचुएशन की आदत है, ठीक है। आपकी तरह नहीं है कि मतलब उसके लिए एकदम से, एक तो ऑक्सीजन पहले ही उसको कम मिल रहा है ऊपर से और वो बीड़ी पी रहा है, ऐसा नहीं होता ना। वो क्या कर रहा है, वो ऑलरेडी वहाँ पे रहता है, उसकी बॉडी को आदत है उस चीज़ की। तो अपने आप को कभी वहाँ के लोकल से कंपेयर मत करना इस चीज़ की कंपेरिजन में, क्योंकि अगर कंपेयर कर ही रहे हो तो अच्छे से कंपेयर करो। ये भी देखो ना कि वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है एक मतलब बिना सांस चढ़े, और खुद को देखो नहीं पहुँच पाते ना। तो कंपेयर करो तो हर चीज़ में कंपेयर करो, नहीं करो तो मत करो। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो बाकी एक समराइज़ करते हैं बस, कि अगर तुम सिगरेट पीते हो, ट्रैक पे बिल्कुल नहीं पीनी है। ट्रैक पे अगर पीते हुए पकड़े गए तो कसम से बता रहा हूँ, बहुत बेइज्जती होगी और निकाल देंगे, वो बात अलग है, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर पीते हो और ट्रैक पे जाना चाहते हो तो एक ड्यूरेशन पहले पीना छोड़ दो, ठीक है, ताकि तुम्हारे लंग्स हील कर पाएँ, एंड अपनी बॉडी को थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, ताकि वो लंग्स को ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने की थोड़ी आदत हो, ठीक है। सो दैट इज़ इट।